नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। आज की ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम मेनू के अंदर स्लाइड ऑप्शन की पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों चल पड़ते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, एक स्लाइड आपको पहले से यहाँ पर मिल जाती है जिसके अंदर आप टाइटल और सब टाइटल या आपको उस टेक्स्ट मैटर के बारे में यहाँ पर पहले से ही स्लाइड मिल जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ डाटा दोस्तों पहले से टाइप करके रखा है। जो ऑप्शन दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा आपको, यहाँ होम के नीचे यहाँ पर ये स्लाइड का ऑप्शन है दोस्तों। तो ये जो हमारा स्लाइड बार है दोस्तों, और यहाँ आपका आउटलाइन का जो पेन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से आपकी यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ पे शो हो रही है। अगर इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी न्यू स्लाइड चाहिए तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों न्यू स्लाइड के बटन के ऊपर, तो आपकी एक न्यू स्लाइड आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। जिस भी स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करोगे दोस्तों वो स्लाइड आपको यहाँ पे शो होने लगेगी और इसके अंदर आप अपना काम कर पाओगे। तो अभी दोस्तों जो आपको स्लाइड मिली है उसका यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइटल ऐड करने के लिए, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अलग फीचर चाहिए दोस्तों आपको, जैसे कि टेबल, चार्ट या स्मार्ट शेप या पिक्चर या क्लिप आर्ट या कोई भी एनिमेटेड वीडियो या सॉन्ग मूवी, वो आप इसमें यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। और अगर दोस्तों आपको इस तरह की स्लाइड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और यहाँ जो एरो का निशान है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे डिजाइन मिल जाते हैं जिसके अंदर आप टाइटल स्लाइड जैसे कि हमने यहाँ पे ली थी उसको इंसर्ट करवा सकते हो। टाइटल एंड कंटेक्ट हमें अभी इंसर्ट करवा के हटे हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन हेडर टाइप में मिल जाती है जिसमें आप यहाँ पर अपना कोई भी एक वो डाल सकते हो टाइटल। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हमारे YouTube चैनल का नाम, और यहाँ पे आप उसके बारे में छोटी सी डिटेल डाल सकते हो जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन नल वीडियो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का डिजाइन मिल जाता है। उसके अलावा आप टू कंटेंट ले सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग दो दिखाना चाहते हो कोई भी इसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, मान लो कि यहाँ पे 6 रो और 2 कॉलम्स की टेबल मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखोगे इस साइड टेबल आ चुकी है। और इस साइड अगर दोस्तों मैं कोई भी पिक्चर इंसर्ट करता हूं जैसे कि यहाँ पर, तो जैसे इंसर्ट करूंगा दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर भी जो दूसरा सेक्शन था उसके अंदर भी एक पिक्चर आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको काफी सारे डिजाइन मिल जाते हैं। या कंपैरिजन अगर आप दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। ओनली टाइटल की स्लाइड अगर आपको चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको ओनली टाइटल, बाकी मैटर आप यहाँ पे अपना जो भी बॉक्स वगैरह है उसको लेके टाइप भी कर सकते हो। और अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो आप वो इंसर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे कुछ और ब्लैंक बिल्कुल चाहिए तो वो कंटेंट विद कैप्शन इस तरह से भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे डिजाइन करोगे दोस्तों उसका कंटेंट यहाँ पे आप कैप्शन लगा के दे सकोगे। और लास्टली आपको दोस्तों पिक्चर विद कैप्शन की स्लाइड मिल जाती है जहाँ पे यहाँ पिक्चर लगाकर उसके बाद उसका जो कंटेंट है दोस्तों यहाँ पे जैसे कि टाइटल और यहाँ पे उसका टेक्स्ट वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने पहले कोई स्लाइड इस तरह की ली है जिसका आप डिजाइन लेआउट चेंज करना चाहते हो, जैसे कि पहले हमने ये पिक्चर स्लाइड ली थी अब हमें यह ब्लैंक चाहिए, तो इस तरह से आप ब्लैंक भी बिल्कुल आपको मिल जाएगी, पिक्चर को आप डिलीट कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आपका लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट के अंदर जाकर आप दोस्तों दोबारा से इसको रीसेट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ से दोस्तों कुछ ऑप्शन थे जिनको आपने यहाँ से मूव कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे मूव किया और इसको यहाँ पे मूव किया, और उसके बाद आपको लगता है कि ये सही जगह नहीं है तो आप इसको रीसेट कर दीजिए, वापिस से उसी जगह पर आ जाएंगे।
उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई स्लाइड ऐसा लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो उसको आप यहाँ से डिलीट का बटन दबाकर डिलीट भी कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन आज के जो स्लाइड मेनू के अंदर होम मेनू में मैंने आप लोगों को सिखाने थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।